दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, क्या है सेटिंग और कैसे करेंगे उसको। कुछ ज़रूरी सेटिंग के बारे में जानेंगे, उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, तो सिंपली हमको प्ले स्टोर पर जाना है और एप्लीकेशन का नाम है माई स्क्रीन रिकॉर्डर। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसी से अपने वीडियो को बनाता हूँ स्क्रीन को रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। अगर आपको प्ले स्टोर से कोई ना मिल रहे हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, वैसे तो प्रोफेशनल मिल जाएगी आपको, अगर ना मिले तो इस एप्लीकेशन के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो सिंपली कुछ हमको सेटिंग करनी होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो सिंपली हम उसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आइकन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आइकन है, यहाँ पे जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वो शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो आप लेंगे वो शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेन हमको ऑप्शन, जो थर्ड वाला ऑप्शन है सेटिंग का, यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग करनी होती है ज़रूरी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडियो रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन जो वीडियो यहाँ पे है तो आपको करना है 720 पिक्सल, ठीक है, इस पर आपको टिक कर देना है। और उसके बाद है वीडियो क्वालिटी, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी पे आपको 5 Mbps पे टिक कर देना है, ठीक है। और FPS, यहाँ पे आपको जो फ्रेम FPS फ्रेम रेट पर सेकेंड है, तो यहाँ पे आपको 25 FPS कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो, जैसे कि आप मैं देख पा रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो पे आप जब टिक करेंगे, जैसे कि आप इसकी स्क्रीन पर रिकॉर्ड होगी और आप जो बोलेंगे वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो मतलब अगर आप अपनी अपने फ़ोन की स्क्रीन की रिकॉर्ड करने के साथ साथ अगर आपको अपनी आईडी को रिकॉर्ड करना है तो आप इसको टिक कर दें, ठीक है। वीडियो लोकेशन इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे ही है। और शो द रिकॉर्ड विंडो, जब आप इसको टिक कर देंगे तो आपकी ये जो आइकन देख रहे हो घूम रहा कैमरे का निशान, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी कोई ज़रूरी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे ये 3S काउंटडाउन, तो काउंटडाउन ये जो है आप 3 तक काउंटडाउन होगा, उसके बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब आप इसको ये देखिए, ये सेटिंग जब कर लेंगे तो कुछ जब आप इसको, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आइकन बन के आ रहा है, ठीक है। यहीं से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो रेड बटन जो गोल गोल दिख रहा है, तो उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टार्ट नाउ, तो यहाँ पे आपकी जो स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको सिंपली तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। बस कुछ नहीं है, बस यही है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछें। और आपको अगर इसको स्टॉप करना है तो सिंपली आप इसी पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे एक चौकोर कलर का, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग चालू होगी तो यहाँ पे चौकोर कलर का बटन आएगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा, तो ऑडियो आपकी जो रिकॉर्डिंग है फ़ोन की वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।